जटायु और संपाति दोनों अरुण के पुत्र थे। अरुण सूर्य देव के सारथी हैं। जटायु और संपाति दोनों गिद्ध थे। जब वे छोटे थे तो दोनों सूर्य की ओर उड़े। जटायु सूर्य के इतने पास गए कि संपाति को पंख फैलाकर उनकी रक्षा करनी पड़ी। अपने छोटे भाई को बचाने के प्रयास में संपाति ने अपने पंख खो दिए। एक बार ऋषि चंद्रमा ने संपाति से कहा कि संपाति को अपने पंख वापस मिल जाएंगे। जब वे भगवान राम की वानर सेना को उस स्थान के बारे में बताएंगे जहां रावण सीता को ले जाएगा। जटायु भगवान राम के पिता दशरथ के मित्र थे। जब उन्होंने रावण को देवी सीता को ले जाते हुए देखा तो उन्होंने रावण से युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु के पंख काट दिए और जटायु गिर पड़े। जब भगवान राम और लक्ष्मण ने जटायु को देखा तो उन्हें देवी सीता के बारे में पता चला। उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया और देवी सीता की खोज में वे आगे बढ़े। देवी सीता की खोज करते हुए जब वानर सेना संपाति से मिली तब संपाति ने जटायु की मृत्यु के बारे में सुना। संपाति ने सेना को बताया कि रावण ने देवी सीता को कहां ले जाकर रखा था। इस प्रकार वानरों को देवी सीता के स्थान के बारे में पता चल गया और वे लंका पहुंचने की योजना बनाने लगे। उस समय जामवंत ने हनुमान जी को उनकी जबरदस्त ताकत के बारे में याद दिलाया। यह सुनकर हनुमान जी अपना आकार बढ़ाने लगे और देवी सीता के पास पहुंचने के लिए समुद्र पार कर गए। देवी सीता को बचाने की कोशिश में जटायु को उनके बलिदान के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। भगवान राम द्वारा जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस को देखकर हिंदू धर्म के बारे में और जानने के लिए इस ज्ञान कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें।